हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हमारा कम्युनिटी हेल्पर्स या पीपल हु हेल्प अस उसका चैप्टर जीके में चल रहा है एंड टुडे वी विल बी डूइंग एक्टिविटी रिगार्डिंग टू दैट एंड दैट इज वी आर गोइंग टू मेक पपेट्स। पपेट्स मतलब कठपुतलिया। पपेट्स के आपने शो भी देखे होंगे। यस, तो आज हम कम्युनिटी हेल्पर्स के पिक्चर्स लेकर उसके पपेट्स बनाने वाले हैं। हम पहले ये देखेंगे कि हमें कौन सी चीजें चाहिए ये एक्टिविटी करने के लिए और उसके बाद हम हमारी एक्टिविटी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पपेट्स बनाने के लिए हम ये आइसक्रीम स्टिक्स लेंगे जिसके ऊपर हम हमारे जो पिक्चर्स है कम्युनिटी हेल्पर्स के वो स्टिक करेंगे। तो फर्स्ट यू विल नीड आइसक्रीम स्टिक्स। टेक 4 or 5 आइसक्रीम स्टिक्स। देन जैसे मैंने कहा हमें स्टिक करना है तो उसके लिए हमें चाहिए फेविकॉल। डोंट यूज फेविक्विक, यू हैव टू यूज फेविकॉल। Then you have to cut few pictures of this kind of different community helpers. आप अपनी पुरानी बुक्स में से, newspapers में से, magazines में से, किसी में से भी इस तरह के आपके पास अगर charts है तो उसमें से किसी में से भी आपके जो भी favorite community helpers है उसके pictures ले सकते हैं। So for that you have to cut those pictures. So you need a scissor. Now, here this scissor is for the elders. You should use the child scissor that you have. और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पेरेंट्स को बोलना कि आपको इस तरह से जो मैंने ये पिक्चर्स कट करके रखे हैं वैसे कट करके दें। आप अपने आप ऐसी बड़ी वाली सीजर से ये कटआउट्स कट नहीं करेंगे। एंड लास्टली यू नीड this kind of extra spare rough piece of cloth. Okay, so these are the things we will require. Now we will start our activity. जब भी आप ऐसी कोई crafting की activity करते हैं तो सबसे पहले you have to इस तरह से एक newspaper आपको लगा रखना है। you have to keep a newspaper like this जिसके कारण आप अपना जो फेविकॉल या फेविक्विक या जो भी कुछ यूज कर रहे हैं वो आपके टेबल पे या आपके जो भी जिस चीज पे आप वो कर रहे हैं यह एक्टिविटी वहां पे चिपके नहीं और वो चीज गंदी ना हो। ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव टू टेक दिस न्यूज़पेपर। देखो यहाँ पे मैंने सब आइसक्रीम स्टिक्स इस तरह से अरेंज कर दी है। मैंने एक बॉल में फेविकॉल निकाल के रखा है और ये साइड पे मैंने मेरे जो भी पिक्चर्स है वो ले लिए हैं। नाउ वन बाय वन विद द यूज ऑफ टिप ऑफ माय फिंगर आई विल बी अप्लाइंग फेविकॉल ऑन एवरी स्टिक लाइक दिस। उसकी जो वन साइड की एज है वहां पे इतना आपको लगाना है। देखा, अगर फेविकॉल नीचे भी गिरता है तो वो न्यूज़पेपर पर गिरता है तो आपकी टेबल बिगड़ेगी नहीं। सो मेक श्योर वेन एवर यू डू दिस काइंड ऑफ क्राफ्टिंग वर्क यू नीड टू कीप न्यूज़पेपर फर्स्ट एंड देन ओनली यू शुड डू दिस एक्टिविटीज, क्राफ्टिंग एक्टिविटीज। ओके, मैंने ये सब जगह पे फेविकॉल लगा दिया है। नाउ आई विल जस्ट वाइप माई हैंड with the help of this cloth. उसके बाद वन बाय वन मैं हर एक स्टिक पे एक पिक्चर स्टिक करूंगी। This is a picture of police officer. इतना होने के बाद मैं इसको साइड में रख दूंगी। Now I'll take the second stick. इसके ऊपर मैं टीचर का पिक्चर स्टिक करूंगी।
और उसको भी इस तरह से साइड में कर दूंगी. देन आई विल टेक अनदर स्टिक एंड आई विल स्टिक द पिक्चर ऑफ डॉक्टर. उसको मैं फिर से साइड में कर दूंगी. अभी ये लास्ट टू बचे हैं और मेरे पास थ्री पिक्चर्स है. उसमें से मेरी जो सबसे फेवरेट है मैं वो लगा रही हूँ. फर्स्ट इज शेफ, बिकॉज मुझे अलग अलग तरह की डिशेस खाना बहुत अच्छा लगता है और जो शेफ होते हैं वो हमें इस तरह की अलग अलग डिशेस बना के देते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में. सो एंड आई एम टेकिंग दिस पिक्चर ऑफ नर्स बिकॉज मेडिकल स्टाफ हमारी बहुत सारी हेल्प करता है. सो हियर आई एम रेडी विद दिस फाइव पपेट स्टिक्स. दिस इज नर्स, शेफ, डॉक्टर, टीचर एंड पुलिस ऑफिसर. अभी हम ये सबको इस क्लॉथ की मदद से अच्छे से स्टिक कर देंगे लाइक दिस. आप ये जो स्टिक्स की ये जगह बची है, अगर आपके जो भी पपेट्स है उसके ऊपर इस तरह से नाम नहीं लिखा है तो आप यहां पे भी विद द यूज ऑफ स्केच पेन आप नेम्स लिख सकते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ. ठीक है, हम नर्स का पपेट लेंगे और उसके नीचे इस तरह से नेम लिखेंगे बाय दैट. और इतना करने के बाद आपको ये सभी पिक्चर्स को ड्राई होने के लिए रख देना है लाइक दिस. और यहाँ पे हम नर्स का नेम लिखते हैं. ठीक है, कि ये कौन सा पपेट है नर्स का. इफ यू हैव, एज आई सेड, इफ यू डोंट हैव दिस काइंड ऑफ नेम ऑन योर पिक्चर यू कैन राइट द नेम ऑफ दैट कम्युनिटी हेल्पर ऑन दिस स्टिक. सो आई हैव टेकन दिस स्केच पेन ऑफ पर्पल कलर. आप इस पे नाम लिखने के लिए कोई भी डार्क कलर की स्केच पेन यूज कीजिए. द वे आई हैव यूज पर्पल, द सेम वे यू कैन यूज ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, एनीथिंग. ओके, अभी नर्स का स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है एन यू आर एस ई, तो आप यहाँ पे उस तरह से उसका नाम भी लिख सकते हैं. सी, लुक्स गुड. हाँ, वैसे आप अपने हर एक जो पपेट्स की स्टिक है वहाँ पे नेम लिख सकते हैं, कोई डिज़ाइन कर सकते हैं. सपोज अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से ये कर दिया है, अभी मुझे यहाँ पे डिज़ाइन बनानी है, तो हियर आई कैन मेक दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ रेड कलर स्केच पेन लाइक दिस. सी, इट लुक्स रियली नाइस. आप इस तरह से स्टिकर्स भी लगा सकते हैं, इस तरह से कुछ डिजाइन भी बना सकते हैं. सो दिस वे योर पपेट्स आर रेडी. इस तरह की एक्टिविटी से आपको पढ़ाई में भी हेल्प होगी और आप इसको पपेट्स को आपके जो पेन स्टैंड वगैरह है, फिर आपके टेबल वगैरह पे ऐसे रख भी सकते हैं. मजा आया, मुझे भी आपको इस तरह से अलग अलग एक्टिविटी करवाने में बहुत मजा आता है. मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी विथ सम मोर इन्फॉर्मेटिव थिंग्स. टिल देन, बाय बाय.